दिग्रस शहर के मोतीनगर में मंगलवार की शाम 7 बजे स्मशान भूमि परिसर में धामन प्रजाति के सांप का जोड़ा देखे जाने से हड़कंप मच गया था। इन वक्त पर पहुंचकर सर्पमित्र नाजिर खान ने सांपों को पकड़कर न सिर्फ लोगों की बल्कि सांपों की सुरक्षितता को सुनिश्चित किया है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबेर खान की खास रिपोर्ट। मंगलवार की शाम 7 बजे मोतीनगर के परिसर में स्मशान भूमि से सटे इलाके में धामन प्रजाति के सांप का जोड़ा रास्ते पर देखा गया। जिस जगह पर यह सांप दिखाई दिए वो जगह मोतीनगर से काफ़ी करीब होने से यहाँ रहने वाले लोगों में डर था कहीं ये सांप बस्ती में ना चले आए। ऐसे में सर्पमित्र नज़ीर खान ने वहाँ पहुंचकर दोनों सांपों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर लोगों में फैले डर को दूर किया। एक तरफ 8 से 9 फीट लंबाई वाले इन सांपों को देखकर लोगों के पसीने छूट रहे थे, वहीं सर्पमित्र नज़ीर खान ने इन सांपों को बेहद आसानी से पकड़कर एक बार फिर अपनी जन्मजात निडरता का प्रदर्शन किया। सांपों को आसानी से पकड़ने की कला में माहिर सर्पमित्र नज़ीर ने न सिर्फ सांपों को पकड़ा बल्कि इस वन्य जीव को कोई चोट न पहुंचे इसका पूरा ख्याल भी रखा। सांप पकड़ने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। इस दौरान सांपों का जोड़ा देखने बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ आया था। इस दौरान सांपों का जोड़ा पकड़ने की जानकारी वन विभाग को फोन पर दी गई। वन विभाग की सूचना पर नज़ीर खान और उसके दोस्तों ने सांपों को गांव से काफ़ी दूर जंगल में छोड़कर इन सांपों को जीवन दान दिया। नज़ीर खान की सांप पकड़ने का जन्मजात गुण न सिर्फ लोगों के राहत का सबब बन गया है बल्कि सांप पकड़ते समय सांपों को कोई चोट ना आए इसका ख्याल रखते हुए सांपों की सुरक्षितता सुनिश्चित करने की नज़ीर खान की पहल वाकई काबिले तारीफ है। NBC News के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।